नमस्कार, खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। और हम आज आपको बताएंगे एक ऐसे छात्र के बारे में जो पुराने नोटों से बिजली पैदा करने का दावा करता है। नोटबंदी के चलते देश में अरबों रुपए के बेकार नोट पड़े हैं। अगर ऐसे में कोई इस बेकार नोटों से बिजली पैदा करने का दावा करे तो फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ओडिशा के खरिया कॉलेज के लखमन टुंडी नाम के एक छात्र का दावा है कि वह 500 रुपए के एक पुराने नोट से 5 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि छात्र के इस आविष्कार की चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। सूत्रों का कहना है कि पीएम कार्यालय ने ओडिशा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग को इस प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा है। कहा जा रहा है कि एक 17 वर्षीय छात्र ने 500 रुपए के पुराने नोटों से बिजली पैदा करने का प्रयोग किया है। नुआपाड़ा खरिया कॉलेज के लखमन टुंडी नाम के स्टूडेंट का कहना है कि वह 500 रुपए के एक पुराने नोट से 5 वोल्ट की बिजली पैदा कर सकता है। छात्र के इस आविष्कार की चर्चा जब पीएमओ तक पहुंची तो इस प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स में लखमन के हवाले से कहा जा रहा है कि उसने बिजली पैदा करने के लिए 500 रुपए के पुराने नोट पर लगी सिलिकॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया। उसका कहना है कि नोट को फाड़ने पर जब कोटिंग दिखाई देने लगे उसके बाद उसने उसे धूप में रखा। छात्र का दावा है कि इस प्लेट को एक बिजली की तार के जरिए ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने से बिजली पैदा की जा सकती है। लखमन ने बताया कि मैंने एक ट्रांसफार्मर बनाया है जो सिलिकॉन की प्लेट से पैदा किए गए चार्ज को स्टोर कर सकता है। अगर पीएमओ मेरे इस इनोवेशन को पसंद करता है तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। छात्र ने अपने इस आविष्कार को कॉलेज में प्रदर्शित किया है। उसका कहना है कि बेकार पड़े नोटों से अगर बिजली पैदा हो सकेगी तो यह सरकार के लिए राहत की बात होगी। लखमन ने बताया कि 15 दिनों की मेहनत के बाद उसने इस पुराने नोटों से बिजली पैदा करने की तकनीक ढूंढी है। मालूम हो कि पिछले साल 8 नवंबर की रात 8 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद करने का ऐलान कर दिया था। सरकार का कहना है कि यह फैसला देश से काला धन नष्ट करने के लिए लिया गया था।